गूगल प्ले का दोस्तों अगर आप कोई भी सर्विस यूज करते हो, जैसे कि आपका फोटोज हो गया, फोटोज में 15 GB तक फ्री स्टोरेज होता है, जो कि जो भी ₹130 आप पेमेंट करते हो मंथली का, तो उसमें आपको 100 GB मिलता है, जो कि आप उसमें अपना स्टोरेज जो है वहाँ पे बैकअप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जिस भी हम डेबिट कार्ड से वहाँ पे अकाउंट को लिंक करते हैं, तो वहाँ पे ऑटो पे का जो सर्विसेज होता है वहाँ पे दोस्तों इनेबल होता है, यानी कि ई मैनरेट हो जाता है, जो कि आपको हर मंथ जो है ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट से ऑटोमेटिक डेबिट होते रहेगा और आपका तो स्टोरेज है वो उसी तरीके से मेंटेन हुआ रहेगा। तो फ्रेंड अगर आप चाहते हो कि गूगल प्ले सर्विस का कोई भी प्लान को एक्टिवेट करके रखे हो और उसको कैंसिल करना है, यानी कि बार बार मंथली कट जा रहा है और आप चाहते हो कि अभी इसका मेरा यूज़ नहीं है, चाहे तो बाद में हमें यूज़ करना है, फिलहाल अभी उसको कैंसिल करना है, फिलहाल उसको स्टॉप करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों वही चीज़ मैं यहाँ पे लाइव प्रूफ के साथ दिखाया हूँ कि अगर आपका कटने का मैसेज आ रहा है कि आपका इतने तारीख को आपका जो पेमेंट है दोस्तों कट जाएगा या फिर से कटने वाला है, ऑटो डेबिटेड का जो फैसिलिटी होता है आप अपने अकाउंट से यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो। तो वीडियो पे बने रहिएगा, एक एक स्टेप बताऊंगा कैसे अपने सर्विसेज को डीएक्टिवेट करना है। तो चलिए शुरू करता हूँ वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो जब भी दोस्तों आप अपना मैसेज को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास मैसेज आता है कि पेमेंट ऑफ ₹130 फ्रॉम गूगल प्ले विल बी ऑटो डेबिटेड आपके अकाउंट से, कार्ड नंबर इतना से जो है आपका रेन्यू हो गया, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पे डेबिटेड होते रहेगा, यानी कि हमेशा कटते रहेगा जो है ₹130। अगर किसी भी गूगल का प्रोडक्ट को आप बाई करते हो तो जाहिर सी बात है उसका ऑटो रिन्यूअल पे चला जाता है, ठीक है। तो होता क्या कि अगर आपको इसको डीएक्टिवेट कर लेना है, इसको कैंसिल करना है, तो उसके लिए दोस्तों एक लिंक नीचे में आ जाएगा टू डीएक्टिवेट ऑटो पे फैसिलिटी अगेंस्ट आईडी नंबर इतना। तो सिंपली दोस्तों करना क्या है कि लॉगिंग कर और उसे वेरीफाई कराना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पे जो आपको लॉगिंग का ऑप्शन मिल रहा है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है, ओपन यूआरएल के ऊपर क्लिक करेंगे, गूगल क्रोम का दोस्तों है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरीके से दोस्तों आपको होम पेज देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे मेरा एक्सिस बैंक दिखा रहा है, तो आपका हो सकता है कि स्टेट बैंक दिखा रहा हो, बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा हो, बैंक ऑफ बड़ौदा दिखा रहा हो, यानी कि जिस भी एटीएम कार्ड से आपने परचेजिंग किया होगा, अगर सपोज करो अगर आपने एक्सिस का यूज़ किया है तो एक्सिस का यहाँ पे आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, साथ में अगर SBI का यूज किया तो SBI का यूज हो जाएगा। सिंपली दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि एज ₹2 रिफंडेबल ट्रांजेक्शन इज रिक्वायर्ड टू वेरीफाई योर कार्ड डिटेल्स। तो सिंपली करना क्या है, अपना कार्ड नंबर डालेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ कैप्चा वगैरह आएगा फिल करने के लिए, तो आप इसको स्किप पे क्लिक करेंगे, स्किप का जब तक आएगा ऑप्शन, अब वेरीफाई कर रहा है तो सिंपली ट्रैफिक लाइट पूछ रहा है, तो आपको ट्रैफिक लाइट जो है दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सिंपली वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक लॉगिंग का ऑप्शन देखने लगेगा, सिंपली क्या करना है इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर थोड़ा समय आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक OTP आएगा जो कि वेरीफाइड होगा, और यहाँ पे आपको अपना OTP जो है दोस्तों डालना है। यहाँ पे आपका कोई भी जो चार्ज होगा दोस्तों यहाँ पे नहीं कटने वाला है एक्स्ट्रा चार्ज। OTP डालने के बाद दोस्तों सबमिट का ऑप्शन है, सिंपली इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप जो भी सर्विस को दोस्तों एक्टिवेट किए होंगे वो सर्विस जो है यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि इस कार्ड नंबर के थ्रू जितना भी अपने गूगल पे सर्विस का यूज कर रहे होंगे वो सारा यहाँ पे दिखा देगा, यानी कि ई मैनरेट हो रखा था, यानी कि ऑटोमेटिक जो है पेमेंट कट जाएगा। सिंपली अगर इस चीज से अगर आपको बाहर निकलना है तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे OPT आउट का ऑप्शन दिया, सिंपली क्या करना है इस पे आपको क्लिक कर देना है। आर यू श्योर यू वॉन्ट टू OPT आउट फ्रॉम गूगल प्ले इनवॉइस, तो सिंपली यहाँ पे यस के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। वेट करने के बाद दोस्तों फिर से आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा जो कि आपको यहाँ पे डालना है। अब दोस्तों आप देख सकते हो कि आपका जो है यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनवॉइस शो करना स्टार्ट कर दिया कि जो आपका अपकमिंग ट्रांजेक्शन है उससे आप यहाँ पे आउट हो चुके हो, आपका मर्चेंट जो था गूगल प्ले सर्विसेज था, आपका आईडी नंबर दिखा दिया, अमाउंट जो था ₹130 था, साथ में दोस्तों डेबिटेड डेट जो था और साथ में दोस्तों जो डेबिट डेट था वो 18 जुलाई था, तो ये हमारा नहीं कटेगा। अब साथ में आप देख सकते हो दोस्तों कि कोई भी आपका यहाँ पे इनवॉइस नहीं है, साथ में आपका जो है यहाँ पे ई मैनरेट के ऊपर दोस्तों अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन बन गया जाएगा, कैंसिल मैनरेट का ऑप्शन आ चुका है। अब ये स्टेटस जो है दोस्तों यहाँ पे एक्टिव है, तो सिंपली करना क्या है, कैंसिल का जो ऑप्शन आ रहा है सिंपली यहाँ पे कैंसिल मैनडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू कैंसिल योर गूगल प्ले ई मैनडेट, तो सिंपली आपको कैंसिल करना है, तो सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे कैंसिलेशन रिमार्क्स पूछ रहा है, तो आपको बोल देना है कि अभी मुझे यूज नहीं करना है या फिर से मुझे स्टोरेज की अभी जरूरत नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे आपको डाल देना है। बस येस पे दोस्तों क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन बन के आएगा और सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ पे आ चुका है आपका OTP, तो OTP यहाँ पे आपको डालना है। सबमिट के ऊपर दोस्तों क्लिक करने के बाद आपका कार्ड नंबर से जो भी था यहाँ पे योर ई मैनडेट हैज बीन कैंसिल सक्सेसफुली हो चुका है, जो भी आपका कटने वाला है वो अब नहीं कटेगा और जो भी आपका ऑटोमेटिक पेमेंट कट जा रहा था वो अब कटने वाला नहीं है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो 17 जुलाई को यहाँ पे है गूगल प्ले का जो सर्विस था हमारा कैंसिल हो चुका है। तो फ्रेंड इस तरीके से आप आसानी के साथ अपने जो भी सर्विस को एक्टिवेट करके रखे हैं, गूगल प्ले का हो या फिर से किसी भी टाइप का सर्विस हो, तो जाहिर सी बात है आपके पास मैसेज आता ही होगा, तो सेम इसी प्रोसेस से आपको
डीएक्टिवेट करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको ऐसे बेस्ट कंटेंट मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।